मामले में पूछताछ करने गई पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी लाठी डंडों से घायल हो गए। बिजनौर जिले में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दबंग पुलिस तक को नहीं बख्श रहे हैं। और आज इसी की एक बानगी देखने को मिली है। बिजनौर जिले में थाना कोतवाली देहात के मोहल्ला सादात में दरोगा पवन कुमार अपने सिपाहियों के साथ सरताज नामक के युवक को पूछताछ के लिए लेने उसके घर गए थे। बीते 16 फरवरी ग्राहक सेवा केंद्र में 13 लाख की चोरी हो गई थी, जिसका खुलासा करने के लिए पुलिस अब तक कई संदिग्ध से पूछताछ कर चुकी है और आज भी पूछताछ करने के लिए पुलिस मोहल्ला सादात में गई। इस दौरान दबंग सरताज ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर जमकर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस हमले में एक दरोगा व 2 सिपाही घायल हो गए, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक पुलिस पर हमला करने के मुख्य आरोपी सरताज और उसके 2 साथियों हमजा और नवाब को गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। राहुल कुमार, बिजनौर, समाचार 24। थाना कोतवाली देहात में 16 फरवरी को ग्राहक सेवा केंद्र में एक चोरी घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। सर्विलांस, स्वाट एवं अन्य पुलिस टीम लगी थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में एक विक्की नाम का व्यक्ति चलते हुए दिखाई दिया। उसके बी पार्टी सरताज, नवाब, हमजा आज दिन में करीब 2 घंटा पहले एसआई पवन के नेतृत्व में 2-3 सिपाही गए थे इसको बुलाने के लिए, पूछताछ के लिए। लेकिन ये मनवर टाइप का है, पुलिस से वहां उलझाव पैदा किया, मारपीट पर हाथापाई मारपीट पर उतारू हो गया। पुलिस द्वारा इसे सरताज, हमजा और नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआई पवन के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, उनका इलाज चल रहा है एवं अन्य मुकदमा कायम करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन तीनों के खिलाफ सख्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एवं चोरी की वारदात में इनकी क्या संलिप्तता है, उसकी भी जांच पड़ताल करके इनको जेल भेजा जाएगा। बिजनौर में